धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित समय पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। सबसे रोचक बात ये रही कि मतदान प्रक्रिया शुरू हुए मैच 2 घंटे ही हुए थे, लेकिन महिलाओं की खासी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। तो वहीं बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल गए थे। भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री किशन कपूर ने अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव खनियारा में वोट डाला। किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस का पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है। इसमें हत्याएं, गैंगरेप और हत्याओं को आत्महत्या में बदलना, भ्रष्टाचार, वन माफिया, खनन माफिया, ऐसे बहुत सारे माफियों का राज रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता इस बार सरकार के आतंक से दुखी होकर भाजपा को वोट डाल रही है। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद पहली बार जनता में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 1990 में वे 14,000 से अधिक मतों से जीते थे, पर इतना ज्यादा उत्साह नहीं था जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार युवाओं में इस निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस सिंगल डिजिट पर सीमित होकर रह जाएगी और भाजपा 60 प्लस से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। देखिए, जो पिछले 5 वर्षों का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, बड़ा निराशाजनक रहा है। इसमें हत्या, गैंगरेप और हत्याओं को आत्महत्या में बदलना, भ्रष्टाचार, वन माफिया, खनन माफिया, ऐसे बहुत सारे माफियों का ये राज रहा है। इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो इस सरकार के आतंक से दुखी थी और लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को इसको उखाड़ फेंकेंगे। मैंने पहली बार जनता का इतना उत्साह देखा है कि मैं जहां जहां गया हूं ऐसा उत्साह मैंने जनता का कभी नहीं देखा। ये 1990 में भी मैं 14,000 वोटों से जीता था, पर इतना ज़्यादा उत्साह नहीं था जो इस बार है। इस बार युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ने का उन्होंने मन बनाया है और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो सिंगल डिजिट में सिमट के रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 60 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और धर्मशाला में तो इतना आतंक इस मंत्री ने फैलाया था, इस आतंक के कारण लोग दुखी हैं। और रात को भी मंत्री की गाड़ी एक पत्रकार उसमें बैठे थे, पैसे बांटती हुई पकड़ी गई और वो उसकी बिना नंबर प्लेट के गाड़ी थी। वो तो सारी सोशल मीडिया में खबर चली है। जब पुलिस वालों से पूछा उन्होंने फिर उसका झूठा आरोप लगाने शुरू किए, पर उनकी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने ये कहा कि उनकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो ये उनकी हड़बड़ाहट है, उनकी जमीन खुस्क चुकी है और वो घटिया हथकंडे अपना रहे हैं, जो हथकंडे वो पहले भी अपनाते रहे। लोगों धर्मशाला की जनता को 5 सालों में गुमराह किया, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं। और जनता ने ये मन बनाया कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे जो गुंडा एलिमेंट हैं जिन्होंने आतंक फैलाया था उनको उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बनाया। हमारी जीत, इस बार की जीत बहुत बढ़िया जीत होगी। 1990 में मैं 14,000 वोटों से जीता था और मुझे लगता है अब उससे भी ज्यादा हमारी लीड होगी। थैंक यू। डाल के आए हैं तो आपको, आप कैसा विधायक चुनेंगे? विधायक तो अच्छा होगा ना, जो सब कुछ देख सके, अपने गांव की रक्षा कर सके, सबकी वो ही चाहिए ना हमें तो। बाकी हमने के लेना देना, अपना कमाना, अपना खाना, पर अच्छे चाहिए सबका। सुने महंगाई के ऊपर? हाँ, महंगाई के ऊपर तो भाई पूछो मत, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कोई साहब नहीं। चलो, जिसके पास तो कोई रोजगार है वो तो चलेगा, जो गरीब आदमी है उनकी सोचो, जो दिहाड़ी लगाता है 300 रुपए कमाएगा वो क्या खाएगा और क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, ये है ना। डाल के आए हैं तो आपको, आप कैसा विधायक चुनेंगे? विधायक तो अच्छा होगा ना, जो सब कुछ देख सके, अपने गाँव की रक्षा कर सके, सबकी वो ही चाहिए ना हमें तो। बाकी हमने के लेना देना, अपना कमाना, अपना खाना, पर अच्छे चाहिए सबका। सुने महंगाई के ऊपर? हाँ, महंगाई के ऊपर तो भाई पूछो मत, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कोई साहब नहीं। चलो, जिसके पास तो कोई रोजगार है वो तो चलेगा, जो गरीब आदमी है उनकी सोचो, जो दिहाड़ी लगाता है 300 रुपए कमाएगा वो क्या खाएगा और क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा।
ये है ना। इस बार ऐसा हो कि सभी को इकट्ठे साथ में लेके चले और जो भी हमारी समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी को लेके वो पूरा करे, तो एक अच्छा और उम्मीदवार होना चाहिए। तो सभी को, हमारे जितने भी यंगस्टर हैं जो अभी पीछे भाग रहे हैं वोट डालने के लिए कि नहीं नहीं डालना है या फिर कोई फायदा नहीं है डाल के, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि वोट सभी को डालना चाहिए। तो उसी से ही आप वोट डालोगे तो अच्छा ही होगा कि आपको अच्छा उम्मीदवार मिलेगा, आप अच्छा चुनेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। डालने आए हैं तो आप कैसे कैंडिडेट को चुनेंगे? स्वच्छ छवि वाले को, उसका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, वैसा कैंडिडेट हमें चाहिए। और बहुत ही अच्छा बढ़िया जिसने काम किया हो और लोगों को दिखाया हो कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट यहाँ पे नहीं पैदा हुआ, ऐसा कैंडिडेट हमें चाहिए। तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को ये संदेश देते हैं कि वो निर्भीक निडर होके अपनी वोटिंग करें और एक अच्छा इंसान जो है वो चुने, ताकि वो हमारी समस्याओं को अपने विधानसभा तक पहुंचा सके और साथ में ही यहाँ पर भयमुक्त वातावरण में हम लोग अपना जीवन बिता सके। थैंक यू।